हम लोग, मैं मेरठ से आता हूँ पश्चिम उत्तर प्रदेश, हमारे यहाँ कावड़ आता, कावड़ का पर्व होता है, ठीक है, एक महीने तक यहाँ गाजीपुर में सिंगू बॉर्डर पे आप देखेंगे हम किसानों ने एजिटेशन में एक तरफ की सड़क को रोका है, बाकी का पूरा ट्रैफिक चालू है। आप जानते हैं मेरठ से हरिद्वार 250 किलोमीटर का एरिया है जिसको दोनों तरफ से सड़कों को ब्लॉक कर दिया जाता है एक महीने तक, और इस देश का अन्नदाता कावड़ियों को खाना खिलाता है, उनका उनकी उनको मेडिकल हेल्प देता है, और कभी हमने इस बात पे एतराज नहीं किया कि भाई ये हमारी दोनों सड़कें कैसे बंद हो गई, दिल्ली से और देहरादून तक का एरिया ब्लॉक हो गया, कोई अप्रिय घटना नहीं होती। सरकार कहती है कि करोड़ों कावड़िए हरिद्वार में आते हैं। दूसरा उदाहरण, 5 करोड़ लोग एक दिन कुंभ के अंदर, मीडिया वालों कुंभ के अंदर एक दिन 5 करोड़ लोग स्नान करके चले जाते हैं, कोई अपनी ये घटना नहीं होती। हमारे यहाँ का जो इंटरनल जो हमारी सिक्योरिटी सिस्टम है वो गजब का है। सवाल मोदी सरकार का नहीं है, इस देश में जो भी सरकारें आई, चाहे कांग्रेस की आई, बसपा की आई, सपा की आई, बीजेपी की है, वो सभी सक्षम है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में। लेकिन जब सरकार की नीयत खराब हो और सरकार ये चाहती हो कि देश में अराजकता फैल जाए, तो एक लड़के को खुलेआम दिल्ली में पुलिस के सामने आंदोलनकारियों के ऊपर हमने गोली चलाते हुए देखा है, और मोदी उसके बाद मोदी की सरकार और बीजेपी उसके गले में माला डाल के उसको इनाम देती हुई दिखाई देती है। अगर आप अगर सरकार की मंशा ही अराजकता फैलानी है तो फिर इस देश में अराजकता को कोई रोक नहीं सकता। मैं आपको एक उदाहरण और दे दूं, एक चीज और कह के मैं अपनी बात खत्म करूंगा कि हमारे यहाँ एक और नैरेटिव मीडिया में लगातार चलाया जा रहा है, सभी लोग देख रहे हैं कि साहब हमारा जो गणतंत्र दिवस है ये राष्ट्रीय पर्व है, और ये किसान हठधर्मी दिखा रहे हैं और ये गलत कर रहे हैं कि ये ट्रैक्टर का मार्च निकाल रहे हैं। मैं इस देश को और इस मीडिया को खास तौर पर, और बीजेपी के खास तौर पे उन नेताओं को जो रोज टीवी पे बैठ के इस देश के लोगों को बेवकूफ समझते हैं, उन्हें मैं बता देना चाहता हूँ कि ये देश इतना महान है कि इनके जो पूर्वज जिनके यहाँ से ये पैदा हुए हिंदू महासभा, पिछले 70 साल से इस देश के राष्ट्रीय पर्वों का अपमान करती आई है, झंडे का अपमान करती आई है। गणतंत्र दिवस और स्वतंत्र दिवस पर 15 अगस्त और 26 जनवरी को ये लोग जगह जगह काले झंडे दिखाते हैं और इस देश का अपमान करते हैं। पहले अपने बाप से पूछो कि वो अपमान क्यों करता है। हिंदू महासभा रोज के हर राष्ट्रीय पर्व का अपमान करती है, और किसान जिसके बच्चे आते हैं तिरंगे में लिपट के सरहदों से, किसान जो तिरंगे को लेकर शान से चलता है, उसके इस बात पे इन्हें एतराज है। ये कहना चाहते हैं कि हम देश के गद्दार हैं, हमें गद्दार कहा जा रहा है, सबसे बड़े गद्दार हैं। 70 सालों में अगर कोई के किसी का सबसे बड़ा गद्दारी का इतिहास है तो मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है, एक एक बच्चा जानता है कौन गद्दार है। हमारे कई किसान भाई शहीद हो गए, शब्द नहीं, क्यों बोलेंगे, वो क्यों बोलेगा, वो अंबानी के पोते होने पे खुशी जाहिर करेगा ना, ट्वीट करेगा, जाएगा, गले मिलेगा, मालिक के पास जाता है चौकीदार। हमारा तो हमारे लिए तो चौकीदार है, लेकिन शायद मालिक उस चौकीदार का कोई और है। मोदी भी हर नरेंद्र मोदी सरकार की सरकार को भी इस गरीब जनता ने और किसानों ने बनाया है, उसकी विलायत है। देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं, हमें बोलना चाहिए, ये होगा वैसा कुछ नहीं, हमें व्यवस्था परिवर्तन चाहिए, सत्ता परिवर्तन नहीं चाहिए, व्यवस्था बदल दे, इनसे हमारी कोई नाराजी नहीं है। हमारे तीनों कानून वापस लेने में क्या नाराजी है मोदी जी तो कोई नाराजी पैदा कर रहे हैं, जिससे लंबा खेच रहे हैं। दूसरी बात आती है, भारत सरकार से बढ़ती हम आ रहा है पेमेंट न्यूनता करने के बैठ हमारी, जब पेमेंट कर्ज लेते हैं और जब कर्ज हमारी खतौनी में चल जाएगा उसे लेगा कोई ट्रैक्टर, जब कोई ट्रैक्टर में जाएगी तो हमारी जमीन जाएगी गिर भी, फिर हम खुद ही खुद ही कह देंगे तो ट्रैक्टर हम देते हैं, ये भूल गए, फॉर्म सी भरा जाता है सोसाइटी से, उसका पेमेंट कराती है इस साल का योगी महाराज जी 2020 और 21 का पेमेंट नहीं होता, मैं मेरे ख्याल से इतिहास में पहली बार डेफिनेट, और ये इतना बड़ा दिन होगा कि आज के कल के बाद 26 जनवरी जब भी याद की जाएगी, किसानों की देशभक्ति के लिए याद होगी, पूरी दुनिया देखेगी, पूरी दुनिया। प्रधानमंत्री भी लगातार भले ही वर्चुअल बातचीत कर रहे हैं, दूसरे प्रांतों के किसानों से बातचीत कर रहे हैं, हमारे किसान भाई को नजर क्यों नहीं आ रही। देखिए इस देश के साथ जो सबसे बड़ा धोखा हुआ है वो धोखा ये हुआ कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस देश ने चुना तो ये सोच के चुना कि ये एक ऐसा व्यक्ति है जो जमीन से उठ के आया है ना, जो जमीन से उठ के आया है, गरीबी से उठ के आया है, पीछे कोई पॉलिटिकल
नहीं है, तो ये आम आदमियों का प्रतिनिधित्व करेगा जो इस देश की आम जनता है, और यही इस देश के साथ सबसे बड़ा धोखा है और इस देश के लिए सबक भी है कि जरूरी नहीं कि अगर कोई गरीब ही हो तो वो गरीब के दर्द को समझेगा। ये जो नैरेटिव बना दिया गया है कि कोई गरीब है तो इसलिए गरीब की बात को समझेगा, ये सत्य नहीं है और इतिहास में भी इसको आपको अनेकों अनेक उदाहरण मिल जाएंगे। हमारे यहाँ हम बुद्ध का देश है ना, बुद्ध राजा थे, लेकिन क्या उनसे ज्यादा गरीब की बात किसी ने करी? तो जरूरी नहीं कि सिर्फ गरीब है तो तभी गरीब की बात सुनेगा। और मोदी ने यह साबित कर दिया कि इंसान जब इस देश में जब दुनिया में आता है तो उसकी परवरिश और उसकी समझ से वो अच्छा और बुरा होता है, इस बात से अच्छा और बुरा नहीं होता कि वो किस घर में पैदा हुआ। गरीब घर में पैदा होके भी एक बुरा इंसान पैदा हो सकता है और अमीर घर में भी पैदा होके एक बेहतरीन सज्जन आदमी पैदा हो सकता है। सर आपने हमारे डॉक्टर अब्दुल तो कलाम थे जो कि अब तो खुदा पाक के हो गए, एक बैठ करके उस देश की बात नहीं करता।